कैंसर वापस ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यानी कैंसर को रोकने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को रोकना यानी वापस कैंसर ना हो, कैंसर की पुनरावृत्ति ना हो, जिसे हम आम भाषा में या फिर मेडिकल टर्म में रीअकरेंस कहते हैं। रीअकरेंस यानी कैंसर की पुनरावृत्ति ना हो, फिर से कैंसर की कोशिकाएं आपके शरीर में प्रवेश ना करें, या ये कहें कि उनकी जो वृद्धि हो रही थी कि बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे वो बढ़ना बंद हो जाए या वापस ना बढ़े, इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसकी पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले कैंसर क्यों हुआ था, आपकी खराब लाइफस्टाइल की वजह से, इसी वजह से हुआ था ना, उसको सुधार दीजिए। दूसरा क्यों हुआ था, आपने अच्छा भोजन नहीं लिया, खाने में क्या चीजें ली, आपने जंक फूड लिया, फास्ट फूड लिया, ऐसी कई सारी एसिडिक डाइट ली, जिसकी वजह से आपको शरीर में नुकसान हुआ, आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो वीक हुआ, अब उसको सुधार दीजिए। यानी इसको कैसे सुधारेंगे, आप एल्कलाइन डाइट लेना शुरू कर दीजिए। एल्कलाइन डाइट कौन सी होती है, एल्कलाइन डाइट पर हमने कई सारी वीडियोस बना रखी है, एल्कलाइन वाटर पे भी वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिसमें आपको जानकारी दी हुई है कि एल्कलाइन पानी क्या होता है, जिसको पीने से कैंसर तक का खतरा कम कर सकते हैं, आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा ना एल्कलाइन डाइट के अंदर है ना कच्ची साग सब्जियां खूब सारी होती हैं, यूजुअली वही कहलाई जाती है, तो आप बहुत ज्यादा लीजिए, मोटा अनाज का सेवन कीजिए। और एक चीज और, क्या होता है कैंसर होता है ना, तो पेशेंट के साथ क्या होता है, डॉक्टर्स उसको सजेस्ट करते हैं आप हर 2-3 महीने बाद में, 3-3 महीने बाद में पेट स्कैन कराइए, आप रेगुलर चेकअप जरूर कराइए, आप सिटी स्कैन कराइए, ये कराइए, टेस्ट कराइए, ये टेस्ट वो टेस्ट, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना बंडल्स लेके आते हैं फाइल्स में, और इतनी रिपोर्ट्स, इतने टेस्ट होते हैं उनके, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि इतना टेस्ट बिल्कुल ही मत कराइए। बार बार आप किसी भी रेडिएशन के प्रभाव में आते हैं, वहाँ कैंसर सेल ग्रो करते हैं। दूसरा क्या होता है, आपको ना एक आदत से पड़ गई होती है कि बार बार देखना है मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स क्या है, अरे इतना तो नहीं बढ़ गया, हीमोग्लोबिन 1 पॉइंट ऊपर तो नहीं हो गया, WBC के सेल्स इतने क्यों हो गए हैं, पेट स्कैन में ये ट्यूमर है ये मैलिग्नेंट तो नहीं है, बिनाइन था अभी मैलिग्नेंट क्यों हो गया, ऐसे करके कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, आप उसको देखते ही रहते हैं, देख देख के ना स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे होते हैं। आपसे मैं पूछती हूँ कि अगर आप कभी टेस्ट करवाते हैं, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आती, क्या आप टेंशन नहीं करते, क्या पैनिक नहीं होते, जब तक वो रिपोर्ट्स आपके हाथ में नहीं आती तब तक कितना स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, तो क्या उसे हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे, ये सब दिक्कतें बढ़नी ही बढ़नी है कैंसर पेशेंट के साथ में। अब इसके साथ क्या हो रहा है, जब ये दिक्कतें बढ़ रही हैं आपका कैंसर दोबारा होने का खतरा भी बढ़ रहा है, इसलिए इतना स्ट्रेस लेके नहीं जीना है, मरना तो है ही है ना, लेकिन जीने के लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत कहाँ है, इसके लिए इतने सारे टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, मत करवाइए, थोड़ा फ्री होके जाइए। और क्या ध्यान रखना है, योगा आप करते थे नहीं करते थे, एक्सरसाइज आपने करी नहीं करी, जिमिंग जरूर करी लेकिन कुछ महीने के लिए फिट हुए हम शेप में आए और उसके बाद वापस वो भी छोड़ दे, ये नहीं करना है, जिमिंग को हम अवॉइड करते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज योगा जरूर कीजिए, उससे क्या होगा, अच्छा आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, आपका जो बॉडी में फैट है ये सभी रिड्यूस होगा, और एक अच्छा मेटाबॉलिज्म आप ले पाएंगे, इसलिए योगा रेगुलर करना है, जो भी आपको चीज़ें बताइए सब चीज़ें फॉलो करनी है। और फिर भी कहीं कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आए, तो क्या करना है, हमें कमेंट सेक्शन में प्रश्न करना है या फिर दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है, ये नंबर जो है संस्थान का नंबर, ये आप ही की सेवाओं के लिए है, जहाँ संस्थान पूरी तरह से कैंसर पेशेंट की चिकित्सा करता है, आप ही को डेडिकेटेड संस्थान है, तो अगर आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट है जो कैंसर से जूझ रहा है या उसने सारी तरह की थेरेपीज भी ले रही है, वो डर रहा है कि अगर कहीं रिकरेंस ना हो जाए, तो भी आप उन्हें ये नंबर दे सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं, और अगर कैंसर से बचना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों, जय गो माता, वंदे मातरम।